ये रोड को देख रहे होगे, जब हम आए थे तो ये सिंगल वे था, मतलब टू वे था, एक वन साइड जाने का वन साइड आने का, बट अब ये फोर लेन हाईवे बन चुका है। और सीरियसली यार, ये तारीफ करनी पड़ेगी हमारी गवर्नमेंट की, या जो भी लोकल गवर्नमेंट होगी हिमाचल की। और बहुत ही खूबसूरत रास्ता बनाया है यार, एकदम क्लीन है ना yes. बिल्कुल भी गंदगी नहीं दिख रही है यहाँ पर, एकदम क्लीन लग रहा है, लाइक ऐसा लग रहा है स्विट्जरलैंड में आ गए। बस स्नो जो है, स्नो भी पड़ती होगी यहाँ पे, आई थिंक सो, पता नहीं अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट अगर यहाँ पर स्नो पड़ती होगी तो कितना ही ब्यूटीफुल हो जाता होगा। आई थिंक आगे पड़ती होगी, यहाँ नहीं पड़ती होगी स्नो, क्योंकि मनाली में ही मेनली स्नो होती है, बट फिर भी विदाउट स्नो भी इतना ब्यूटीफुल लग रहा है, क्या बताएं यार। मगर जो उसको विजिट करने का जो सही टाइम है, मे बी जनवरी होगा, क्योंकि जनवरी में ही स्नोफॉल ज़्यादा होती है, जो है जो पहाड़ होते हैं, जहाँ जो भी पहाड़ है, जो भी हिल स्टेशन है, वहाँ पर स्नो ज़्यादा होती है। तो क्या बताएं यार इसके बारे में, बहुत ही ब्यूटीफुल है, होप सो आप भी इंजॉय कर रहे होंगे। हाँ जी, क्या हो रहा है नैना जी? मोमोज खाए जा रहे हैं व्यू के साथ। ओह वाओ, वेरी नाइस यार। वो दिख रहा है वो पहाड़, यहाँ जाना है हमें। पता नहीं जा पाएंगे क्योंकि जाम लगा हुआ था, इस चक्कर में हमने स्टॉप ले लिया एक, वहाँ गाड़ी खड़ी है हमारी, तो क्लियर हो रहा है जाम धीरे धीरे, ऊपर शायद से हो, काफ़ी हद तक क्लियर हो गया है। तो मैंने सोचा एक मैगी और मोमोज खाए जाएँ इस ठंड में, बहुत ही अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस यार। चलिए चाय वाय पीते हैं, फिर निकलते हैं आगे की ओर। Love.
फिर मुड़ के तू आना नहीं साढ़े वाल माइया फिर फेरा तू ते पौना नहीं एक बार जावे फिर मुड़ के तू आना नहीं साढ़े वाल माइया फिर फेरा तू ते पौना नहीं लोग कोल बहना है तू दूर सात रहना है तू लोग कोल बहना है तू दूर सात रहना है तू कहते लोग लाके सानू चन माया तेरी ठगियां ने मारिया सानू चन माया तेरी ठगियां ने। आई थिंक यहाँ पर कोई ट्रैक है रास्ता दिख तो रहा है हमें और घोड़े भी हैं घोड़े भी दिख रहे हैं घोड़े या खच्चर जो भी होंगे सो उसी का है नीचे से रास्ता जा रहा है यहाँ से ना ये येलो कलर की है ना ये दिखाना नहीं रहा है यही जा रही जा रही जा रही जा रही ये कहीं नीचे गई ये यहाँ से नीचे जा रहे हैं लोग ट्रैकिंग होगी वहाँ जा रहे हैं लोग ट्रैक करने लोग बाग तो ऐसे जा रहे हैं जैसे पता नहीं कितना माइनस पे टेम्परेचर हो रहा है यहाँ पे बट ठीक है प्रोटेक्शन ज़रूरी है ठंड का मौसम है ठंड लग गई तो जितने भी दिन घूमने आए हैं सब स्पॉइल हो जाएंगे बट फिर भी अल्टीमेट यार अल्टीमेट ब्यूटिफुल तो मनाली में भी एक्सप्लोर करने की बहुत जगहें हैं पता होना चाहिए बस रोहतांग जो है वो बंद है इसलिए हमने लोकल टैक्सी की नहीं और सीसू ज़्यादातर लोग अपनी गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं सो दैट्स वाई हम भी अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं क्योंकि वहाँ तक टैक्सी करना और एक जगह के लिए और फिर वापस आना वो कुछ तुक नहीं बनता है इससे ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा इसलिए हमें सस्ता ही पड़ जाएगा हाँ मगर आपको ड्राइविंग स्किल्स होने चाहिए क्योंकि जब जाम में गाड़ी फंसती है तो बहुत प्रॉब्लम होती है तो इसलिए ड्राइविंग स्किल मैटर करते हैं यहाँ पर अगर आपके ड्राइविंग स्किल अच्छे हैं तो आप अपनी गाड़ी लेके आ सकते हैं और थोड़ी गाड़ी भी डीजल हो तो ज़्यादा अच्छा है पेट्रोल में थोड़ा सा पिकअप थोड़ा कम होता है तो इसलिए प्रॉब्लम दे सकती है पेट्रोल गाड़ी CNG तो यहाँ मिलती नहीं है और CNG लाना तो कोई तुक नहीं बनता है यहाँ पर सो देखते रहिए बहुत ही ब्यूटीफुल सानू चन माया तेरी ठगियां ने मारिया सानू चन माया तेरी ठगियां ने मारिया सानू चन माया तेरी ठगियां ने मारिया अखियां चहा तेरी गुड़िया ते नावे इको वारी दिल पहुंच गए हम बस वेट है अंदर जाने का मतलब वर्ल्ड की हाईएस्ट हाइट पर जो टनल है सबसे बड़ी टनल वो अटल टनल है जाम जा रहे हैं फाइनली मैं कितने व्लॉग्स में देखता आया हूँ यार कितनी वीडियोस में देखता आया हूँ और फाइनली आज मौका मिल रहा है ना हमें ये मुझे भी दिखा दो थोड़ा सा एक्साइटमेंट यार ऐसे एक्साइटमेंट है अब कोई नहीं होते उधर दे Finally, हम एंटर कर रहे हैं। Careful, one of the doors is open. Please check. मेरे पीछे का दरवाजा बंद नहीं किया क्या? ये क्या है यार? अच्छा ये supporting के लिए दे रखा है। Wow man, wow. Okay sir. Three, two. 40 की speed है। One. Yeah. ऐसे लग रहा कि फॉरेन में आ गए इंडिया फॉरेन से कम है अरे यहाँ पे क्या बंदा बैठा हुआ यार अच्छा काम भी चल रहा है साथ अच्छा इधर लिखा हुआ है कितना कितना मीटर हम अंदर आ गए हैं यार कितनी साफ है यार है ना बहुत साफ है
और 40 की लिमिट है यहाँ पे, और 8.5 किलो ओ भाई साहब 10 किलोमीटर्स लंबी है आई थिंक सो, ये जो टनल है 10 किलोमीटर्स, 10 या 9 ऐसे अराउंड इतनी ही है थी। कई लोग हैं जो भगाते हुए आ रहे हैं, भगाते हुए जा रहे हैं। अच्छा अब 60 हो गई है स्पीड, ओके ओके। और बाहर ना उतरने की और गाड़ी साइड में ना खड़ी करने की भी जो है वार्निंग्स आ रही हैं इधर। नेचुरल सी बात है, कोई भी अगर खड़ा हो जाएगा तो ट्रैफिक लग जाएगा यार। कुछ भी हो रूल्स सबसे पहले हैं, रूल को ऑलवेज फॉलो करना चाहिए, क्यों नहीं है ना जी बिल्कुल। ये अब सर, अब मैं इतना एक्साइटेड था तो इंस्पेक्टर ने हमें रोका चेकिंग के लिए, नॉर्मल चेकिंग होती है सभी की होती होगी, तो मैं एक्साइटमेंट था, एक्साइटमेंट में मैं उनको कोई कुछ और ही आंसर करा गया कह रहे आप क्या कर रहे हो, तो मैंने बाहर जाके उनको बोल ही दिया कि सर थोड़ा एक्साइटेड हूँ मैं देखकर। ओके सर, बोले आप वो ही कर रहे हो जो मैं आपको बोलने को मना कर रहा हूँ। सीरियसली मैं, ये इतनी बड़ी टनल है, अगर कोई भी कंट्री जैसे चाइना है या कोई अदर कंट्री, पाकिस्तान, या फिर पाकिस्तान शायद दूर होगा बट फिर भी कुछ भी कोई भी हमला करता है अगर पहाड़ी जगहों पर, तो कितनी आर्मी आ सकती है इसके अंदर अगर हवाई हमला हो। पता नहीं, मेरा दिमाग ज़्यादा चल रहा है क्योंकि मैं सोवियत ज़्यादा देखता हूँ, रशिया एंड सोवियत एंड ऑल, जो भी यूक्रेन वॉर चल रही है, क्योंकि वहाँ पर मेट्रो स्टेशन है बहुत गहरे, और ये भी क्या नाम है इतनी बड़ी है, तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ बनाई है यार सीरियसली। कितना टाइम लगा होगा इसको बनाने में यार, सोचो पहले लोग रोहतांग चढ़कर फिर क्रॉस करके जाते थे ले जाना, या फिर और अदर जो भी गांव है उनसे कनेक्ट होने के लिए इतना घूम कर जाते थे, लेकिन अब ये टनल बनने से बहुत, मतलब कहते हैं 2.5 से 3 घंटा सेव हो जाता है। सो सीरियसली अप्रिशिएट फॉर दिस हार्ड वर्क।